नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राइड। बिग बॉस 13 में कई ऐसे कंटेस्टेंट आए जिन्होंने दर्शकों के दिल में एक अलग जगह भी बनाई और अपने गेम से सभी को अपना दीवाना भी बना लिया। शो में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की बात तो सभी ने की, लेकिन एक और ऐसा कंटेस्टेंट रहा जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं आसिम रियाज की, जिन्होंने अपने असूलों पर गेम खेला और सभी को खासा इम्प्रेस भी किया। आज अपनी मेहनत के चलते वो बिग बॉस के फिनाले में जा पहुंचे हैं और दूसरे कंटेस्टेंट को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को उनकी पूरी जर्नी दिखाई है। उन वीडियो में उनका संघर्ष भी दिखा है और शो के प्रति उनकी दीवानगी भी। ऐसा ही आसिम रियाज के साथ भी होता हुआ दिखाई दिया है। आसिम रियाज जैसे ही अपनी जर्नी देखने के लिए स्टेज पर पहुंचे, फैंस ने जिस अंदाज में उनका स्वागत किया वो ये साफ दिखा रहा था कि आसिम रियाज और उनका कद अब बदल चुका है। वो काफी फेमस हो चले हैं। इसी बात पर खुद बिग बॉस ने भी अपनी मुहर लगा दी। उन्होंने आसिम रियाज को बिग बॉस सीजन 13 का हीरो बता दिया है। बिग बॉस ने कहा, आसिम आपकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आई, इसी तरीके से घर में भी आपका सफर कांटों से भरा रहा, लेकिन आपने उन कठिनाइयों का सामना भी किया। बिग बॉस के घर में एक हीरो की तरह नजर आने लगे। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि आसिम रियाज की जर्नी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। शुरुआत में उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बॉन्डिंग बनाते देखा गया, तो बाद में उन्हीं से उनकी लड़ाइयां ने भी सभी का ध्यान खींचा। आसिम के सिद्धार्थ, पारस, माहिरा और बाकी सभी कंटेस्टेंट से कई बार झगड़े हुए। उन्होंने हमेशा अपने विचारों को सभी के सामने बेबाकी से रखा। आसिम की जर्नी वीडियो में भी इस बात पर खासा जोर दिया गया। लड़ाई के अलावा आसिम की जर्नी में दो ऐसे लोग भी आए जिनके साथ उनके रिश्ते काफी अलग के साथ साथ अनमोल भी रहे। घर में उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के रूप में अपना बड़ा भाई भी मिला। ये सच है कि अब दोनों की पटरी एक दूसरे को नहीं खाती, लेकिन वीडियो में जब दोनों की दोस्ती का जिक्र किया गया तब आसिम भी भावुक होते हुए दिखाई दिए। बिग बॉस ने आसिम को इस शो का असली हीरो बताया और क्योंकि आसिम को बिग बॉस का हीरो बता दिया गया तो हीरो की हीरोइन होना तो बनता ही है। आसिम को बिग बॉस के घर में अपना सच्चा प्यार भी मिल गया। बिग बॉस ने जब इस बात का जिक्र किया तब आसिम के हाव भाव देखने लायक थे। बिग बॉस ने कहा, आसिम आपको इस घर में हिमांशी के रूप में अपना सच्चा प्यार मिल गया। ये तो सच है कि आसिम बिग बॉस के घर में हिमांशी से प्यार कर बैठे। उन्होंने हिमांशी को शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था। ये देखने वाली बात होगी कि बिग बॉस का ये हीरो ये शो जीत पाता है या नहीं, क्योंकि हर कोई ये शो जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहा है।